दोस्तों, मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अशोक जी मेरे गुरु हैं और अगर मैं कुछ अच्छा पढ़ूँ तो सारी तालियाँ उनके नाम हों। आदरणीय संतोष जी हमारे देश के सबसे बड़े गीतकार हैं। मंच पर जितने साथी हैं उनको प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं सीधी अपनी कविता पर आता हूँ। दोस्तों, 14 फरवरी को मुल्क की खातिर खाक हुई खाकी के 40 अमर शहीदों को मैं सत सत नमन करता हूँ और इस पावन मंच से इन अजय वीरों के चरणों में ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ। कौन कहता है सो गए हो तुम, कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। मैं इस मंच से हर अभिनंदन का वंदन करता हूं। दोस्तों, मैं एक दर्द की कविता आपके बीच रखना चाहता हूं। जब मैं सुबह का अखबार उठाता हूं तो यकीन मानिए डर जाता हूं। फिर किसी शहर में ना हो गए हों बम धमाके, फिर किसी आतंकी विस्फोट में न चिथड़े हो गए हों शरीर। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, हमारे कुनबे के एक बड़े शायर ने कहा था। कागज पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार आजकल। जख्म ताजे हैं, दर्द हवाओं में हैं और पुलवामा सहित सैकड़ों विस्फोटों के घायल अभी भी अस्पताल में। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में हमने हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में ऐसे सैकड़ों मंजर देखे हैं। बदलता कुछ नहीं है, बदलती है सिर्फ तारीख, बदलती है सिर्फ ठिकाने, बढ़ती है घायलों की संख्या और बढ़ती है मरने वालों की चीख। मुझे मालूम है कि ये मरने वाले चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं। पेशावर में मारे गए एक मासूम बच्चे की, पेरिस में मारे गए एक पत्रकार की और पुलवामा में मारे गए एक शहीद की चिट्ठी कवि की कल्पना से आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। पेरिस हो, पेशावर हो या पुलवामा, कराची हो, काबुल हो या हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद, बम विस्फोट के बाद हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मुझे मिली एक कटी फटी चिट्ठी, उसमें लिखा था अब एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। आदरणीय वीसी साहब मौजूद हैं, उनको अर्पित करते हुए पंक्तियां कहता हूं। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ फिदाइन आताताई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई, मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो ना करते, मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ मौत के सरताज, बम एक्सप्लोजन के उस्ताज, तुम्हें तो किस्मत से बच गए
उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, मेरे मशीन गन धारी मारणहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी? बंदूक देशी थी या विदेशी? हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? ओ बम विस्फोट करने वाले, गांधी के मुल्क का आदना सिपाही अपने मारने वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता है। हे बम के यम अवतार, मृत्यु लोक के नए आविष्कार, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी पहुंचे मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उड़ाने को बहुत ज़रूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना? है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी ना सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, अंतिम पंक्तियां मैं मीडिया के मित्रों के नाम समर्पित करना चाहता हूं। तुम भी सुनो, जो लोग युद्ध की बात करते हैं उनके लिए भी तुम भी सुनो। वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीज भाई, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन। बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई, किसी की मौत पर कभी सामान कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक छोटा सा दृश्य चित्र आपके बीच रखूंगा और फिर मैं अपनी जो मेरी सबसे खूबसूरत रचना है वो आपको अर्पित करके जाऊंगा। मेरे पिताजी की स्मृति में हर साल हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, 50,000 लोगों के हमने ऑपरेशन किए हैं। कल सुबह मेरे गांव में 20वां कैंप है और उसमें पुलवामा के 3 शहीदों की विधवाओं का हम लोग सम्मान भी करेंगे। दोस्तों, जब दुनिया में गिनती हुई कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां है, तो आप सबके लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान में है।
और मुझे वो कहते हुए फक्र है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों में हैं। लेकिन मैं आपके संवेदनाओं की देहरी पर एक छोटा सा दृश्य चित्र रखना चाहता हूँ। आदरणीय अशोक जी मेरे गुरु हैं, संवेदनाएँ कितनी मर गई हैं शहर में, उनके घर में चोरी हुई, पड़ोस से कोई झांकने नहीं आया, दिन दहाड़े लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। दोस्तों, जब कभी आप जिम कॉर्बेट में जाएं, बांधवगढ़ में जाएं, काना में जाएं, सतपुड़ा में जाएं, गिर में जाएं, काजीरंगा में जाएं, ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं। अगर किसी के मोबाइल की घंटी बंद हो जाए तो अदब की महफिल है, मैं माफी चाहता हूं। ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर सावक खा रहे होते हैं और उनकी माँ शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है, लेकिन थोड़ी दूर झाड़ी में खड़ी डरी सहमी उस नन्हे चीतल की माँ अपनी विवशता और बेवसी पर आंसू बहा रही होती है। दोस्तों, ये जंगल है, जंगल में एक माँ की चीख दूसरी माँ को सुनाई नहीं देती, लेकिन हम जंगल में नहीं, बस्ती में रहते हैं, गांव, शहर, कस्बे कहीं भी रहते होंगे, अगर हम अपनी माँ, बहन और बेटी की चीख नहीं सुनेंगे तो हम में और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर हमने दिल्ली में किसी दामिनी, भोपाल में किसी काजल और मेरठ में किसी इमरहना की चीख नहीं सुनी तो हमें खुद को इंसान रहने का कहने का हक भी नहीं रह जाएगा। हम मानव हैं, हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे, जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। और मित्रों, एक कविता जो मेरी, मैं मानता हूं कि इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा, बस एक दृश्य चित्र आपके बीच रखूंगा, अपनी कविता कहूंगा। कुछ साल पहले दिल्ली में हमारे देश की संसद पर हमला हुआ था। उस दिन उस संसद में 500 सांसद मौजूद थे, 2000 संसद के कर्मचारी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, 1000 हमारे लोग दर्शक दीर्घाओं में बैठकर उसे देख रहे थे और मेरे 500 मीडिया के मित्र पूरे देश में लाइव उसको दिखा रहे थे। जब हमला हुआ तो उन 4000 लोगों के सौभाग्य में मुल्क पर मिटने के लिए उनके हिस्से में एक भी गोली नहीं आई। किसी बारूद की फैक्ट्री में, किसी एम्युनिशन में ये ताकत नहीं है लोग कि कोई ऐसी गोली और बारूद बन सके जो सीना देख कर लगती हो। मुझे कहने में फक्र है कि जब मुल्क पर मिटने की बात आई तो आतंकवादियों की एक एक गोली, कमलेश कुमारी समेत भारतीय पुलिस के 8 जवानों ने अपने सीने पर खाई। हमला चाहे देश की संसद पर हो, अक्षरधाम के मंदिर पर हो, कश्मीर की विधानसभा पर हो या मुंबई के दिल पर, कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई मोहनचंद शर्मा, कोई जियाउल हक, कोई मोहम्मद नबी, कोई सरदार बलजीत सिंह आएंगे और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले अपना शीश दान करके जाएं। दोस्तों, पुलवामा में जो हुए हैं ऐसे शहीदों को, मुल्क की खातिर जो खाक होते हैं, उन खाकी वालों की कोई अंतिम इच्छा होती है, उसे व्यक्त करने की एक कोशिश मैंने की। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से
जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया, मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां पूरे साल 24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली, तो मैंने भी मना ली दिवाली। रंग गुलाल उड़ाती मस्तानों की टोली, तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा, मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। सच कहूं ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए, घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर ले जाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं, पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली, कभी मन महसूस डाला कभी कल पे बात डाली। कभी मन महसूस डाला कभी कल पे बात डाली, और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा। गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हों सिर्फ नफरत और कांटे, तुम ही बताओ कि वो फूल कहाँ से बांटे। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींब की ईंट से शिखर तक, हर कोई बेताब है नहाने को, भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिक, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। और दोस्तों, जिस बात के लिए कविता लिखी है, अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी इस मुल्क में कोई फौजी शहीद होता है, पूरे देश की आंखें नम होती हैं। हर रोज़ ड्यूटी पर पुलिसकर्मी मरते हैं, बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। मेरे तीन साथियों ने, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की थी हैदराबाद में, उन्होंने इस मुल्क के लिए अनाम शहादत दी है। उन जैसे 35,000 पुलिस के लोगों को मैं प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं, वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारे जाते हैं। आतंकी और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाए। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की इतना तुम दिखला देना, गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। गर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता देना। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से अपने मन से। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैशी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस
तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना।